उन लोगों के खिलाफ वीडियो बनाता, दो को गाली वो देते, चार को मैं देता, लेकिन उलझा नहीं हूँ। आज देश के किसी भी कोने में चला जाता हूँ, लोग जो है पहचानते हैं। सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं वो लोग भी बहुत आगे जा रहे हैं, जो लोग विरोध में बना रहे हैं वो थोड़ा गाली सुनते सुनते लेकिन वो भी आगे बढ़िए जा रहे हैं। जो किसी पार्टी के दलाल हैं, जो किसी पार्टी के अंधभक्त हैं, किसी भी पार्टी के अंधभक्त हैं, वो लोग थोड़ा सा नफरत करते हैं। और जिन लोगों का व्यू नहीं आता है वो लोग सोचते हैं कि एक बार गरिया के देखें, इंटरव्यू लेने का प्रयास करते हैं, नहीं मिलता है ना तो गोरखपुर हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है, तो यहाँ पर तो आया जा सकता है। सबसे पहले सरकार बदले, उससे पहले लोगों को बदलने की जरूरत है। मनीष कश्यप तुरंत आग बबूला हो जाते हैं, वो दर्द के बारे में मैं जानना चाहता हूँ जिस दर्द ने आपको माइक थमा दिया। तो आपका रिएक्शन था कि डिजिटल मीडिया वाले गरी आते हैं, डिजिटल मीडिया के एक शेर के लिए, और जिन्होंने हमारी हमारे सम्मान की रक्षा की है। मैं सेलिब्रिटी किस एंगल भैया ये और सरकार भी नहीं चाहता है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाएगा तो आप गुलाम पैदा नहीं होंगे। पिछले 6 महीना में मैं 24 से 25 राज्य में गया हूँ और जाता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हर नेता का चुनाव से पहले भाषण में लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा उसी को लेके छोड़ते हैं। जितना आप घूमे हैं क्या अनुभव रहा है? और अगर रोड का सेक्शन खराब है तो आप टोल मत दीजिए, कम से कम इतना तो प्रयास कीजिए। तो टोल प्लाजा पे जाके आप एक बार पूछिए कि किस लिए टोल दे रहे हैं। ब्रांड बिहार का असल मकसद क्या है? नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूँ विकास गोस्वामी और मेरे बगल में जो शख्सियत मौजूद है इनका अगर यदि परिचय करवाया जाए तो वो बेईमानी होगी। कौन नहीं जानता है मनीष कश्यप मेरे साथ? मोदी जी नहीं जानते हैं, मुझे परिचय कराना जरूरी पड़ता है। मेरा नाम मनीष कश्यप है और मैं अभी गोरखपुर में हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद। पहला सवाल यहीं से ले लेते हैं, गोरखपुर में अचानक से कैसे आना हुआ? गोरखपुर हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है, तो यहाँ पे तो आया जा सकता है, और यहाँ पे आना हुआ कुछ काम था इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मनीष भैया, जगह जगह आप जा रहे हैं और मुझे लगता है कि देश का कोई कोना छूटा नहीं होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हर नेता का चुनाव से पहले भाषण में लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा उसी को लेके छोड़ते हैं। जितना आप घूमे हैं क्या अनुभव रहा? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जो कि बेसिक है किसी भी समाज के लिए। पिछले 6 महीना में मैं 24 से 25 राज्य में गया हूँ और जाता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ। सबसे पहले सरकार बदले, उससे पहले लोगों को बदलने की जरूरत है। अगर लोग बदल जाएंगे तो हमारा देश बदल जाएगा, लेकिन हम बदलने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, हम वही ट्रेडिशन पे अटके हुए हैं। तो अगर करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं तो बदलाव के लिए तैयार रहें और लोग बदलने के लिए तैयार रहें। बिहार का जब भी नाम आता है और जब भी बिहार मुसीबत में होता है, और मैं बिहार ना कह के यूपी, बिहार और झारखंड कहूँ, तो मनीष कश्यप आग बबूला हो जाते हैं। उसका कारण भी जायज है, चूँकि शुरुआती जो संघर्ष रहा मनीष कश्यप का, सबसे पहले तो 5 मिलियन के लिए बहुत बहुत बधाई, अभी याद पड़ा, जस्ट मैं बोला हूँ कि बधाई भी दे दूँ। धन्यवाद। तो मनीष कश्यप तुरंत आग बबूला हो जाते हैं, वो दर्द के बारे में मैं जानना चाहता हूँ जिस दर्द ने आपको माइक थमा दिया। देखिए, अगर आपके अंदर जो है निष्पक्षता है और देश में पैदा हुए हैं, देश से आपको प्यार है और देश के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप, चाहे कोई भी, तो उसके अंदर जो है एक दर्द होगा। और हमारे अंदर भी होता है। मैं सिविल इंजीनियर था, अच्छा नौकरी था, नौकरी वोकरी छोड़ के आया और उसके बाद से इन सब चीज़ों में लगा। अच्छा हुआ बुरा? देखिए, भगवान जो भी आपके लिए करते हैं अच्छा ही करते हैं। मैं आस्तिक आदमी हूँ, भगवान पे मुझे भरोसा है, तो भगवान ने मेरे लिए जो किया वो अच्छा ही किया, और मेरे लिए जो रास्ता चुना है भगवान ने वो अच्छा ही चुना है। बस उस रास्ते पे मैं अगर ईमानदार बना रहूँ और मेहनत करता रहूँ तो भगवान जो है मंजिल तक पहुँचा ही देते हैं, तो क्या पता मेरा ज़िंदगी का मंजिल कुछ और होगा। मनीष भैया, जब भी आप मतलब कि गोरखपुर आ जाए हैं, कभी गोरखपुर से लखनऊ जाना हुआ है? अनेकों बार गोरखपुर से लखनऊ जाना हुआ है, अनेकों बार गोरखपुर आया हूँ। सवाल ले लेता हूँ। एक दर्द है मेरा, मैं चूंकि पिछले महीने में लगभग 10 बार से ज़्यादा मैं लखनऊ से गोरखपुर ट्रेवल किया। टोल देते समय कष्ट नहीं होता है रोड देखते हुए? मैंने उसके लिए वीडियो भी बनाया है। पिछले चुनाव के समय में जब मैं आया था, एक एक्सीडेंट हुआ था लखनऊ और गोरखपुर के बीच में, मैं गोरखपुर ही आ रहा था लखनऊ से, तो एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने बनाया था। देखिए, इसके लिए सरकार से ज़्यादा जो है लोग दोषी है। अगर आप टोल दे रहे हैं तो टोल प्लाजा पे जाके आप एक बार पूछिए कि किस लिए टोल दे रहे हैं, और जब आप आवाज़ उठाइएगा तो सुधार होता है। जब मेरे जैसे व्यक्ति का वीडियो जो है नितिन गडकरी जी तक पहुँच सकता है, इकलौते व्यक्ति का, तो सैकड़ों लोग अगर प्रयास करेंगे तो पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। थोड़ा सा रोड खराब है, ये बात सही है, रोड में सुधार होना चाहिए। और अगर रोड का सेक्शन खराब है तो आप टोल मत दीजिए, कम से कम इतना तो प्रयास कीजिए, ये मैं जरूर कहूंगा। लेकिन हर पत्रकार मनीष कश्यप की तरह लड़ तो नहीं सकता है ना?
देखिए, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हमारा देश जो है वो उतना आगे नहीं जाएगा जितना आगे जो है हम सपनों में लेके जाना चाहते हैं। सपनों में हम लड़ाई करते हैं, सपनों में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और करने का प्रयास करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो करना तो पड़ेगा। हाँ, हालांकि आप मेरे जैसा नहीं लड़ सकते, मेरे इतना नहीं लड़ सकते, लेकिन थोड़ा तो लड़ सकते हैं ना। तो थोड़ा थोड़ा अगर लड़ाई सबने किया तो शायद से बड़ा बदलाव हो जाएगा। ब्रांड बिहार को लेकर आप लगातार प्रयासरत हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं, और यदि मैं गलत नहीं हूं तो कल आप खेसारी लाल यादव से भी मिले। ब्रांड बिहार का असल मकसद क्या है? ब्रांड बिहार का मकसद ये है कि थोड़ा सा जो छवि जो कुछ लोग धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, जो छवि जो है बिहार का खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उसे दुरुस्त किया जाए। हालांकि बिहार में बहुत सारी चीज़ें गलत होता है तो उसके खिलाफ हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो वो निगेटिव चीज़ों को नहीं दिखाते, हम लोग गलत चीज़ों को दिखा के उसे पॉजिटिव कराने का प्रयास करते हैं। और ब्रांड बिहार बस एक प्रयास है कि पूरे भारत में जो है बिहार का भी नाम जो है सम्मान के साथ लिया जाए, जैसे पहले लिया जाता था। अगला सवाल मनीष जी यहाँ से है, कई समय जो मैं बिहार में देख रहा हूँ, कई सारे डिजिटल मीडिया के पत्रकार, जब मैं आपसे मिला होटल के पास तो मैंने आपसे पहला शब्द कहा कि डिजिटल मीडिया का सम्मान बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सम्मान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया। तो आपका रिएक्शन था कि डिजिटल मीडिया वाले गरी आते हैं, क्यों है ये दर्द, कहाँ है? देखिए, मैं भारत का शायद से पहला ऐसा पत्रकार हूँ जिसको पत्रकार ने ही सबसे ज़्यादा गाली दिया है, ये चीज़ है। लेकिन मुझे इस बात से दर्द नहीं है, बहुत सारे पत्रकार जो है मुझे सपोर्ट भी करते हैं, अच्छा लगता है। ये चीज़ है, मेरे नाम पे बहुत सारे लोगों को व्यू मिल जाता है, फेसबुक यूट्यूब पे जो है अगर किसी भी वीडियो में मैं देखता हूँ कि वीडियो में से मेरा लेना देना कुछ नहीं है, न्यूज़ से भी उस वीडियो का लेना लेकिन थंबनेल लग जाता है, लेकिन थंबनेल में मेरा फोटो और अंदर जो है कीवर्ड्स जो टैग वर्ड्स जो होता है उसमें मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, मनीष कश्यप लेटेस्ट न्यूज, मनीष कश्यप सच तक, मनीष कश्यप बिहार का बेटा, मनीष कश्यप बिहार न्यूज, मनीष कश्यप लाइव, मनीष कश्यप टुडे न्यूज, मतलब देखता हूँ तो शॉक्ड हो जाता हूँ कि यार मेरा नाम इसमें टैग क्यों किया, ना मैं हूँ ना कुछ। तो यह चीज़ है, तो उसी का कुछ लोग फ़ायदा उठा के कुछ लोग जो है सपोर्ट में भी वीडियो बनाते हैं, कुछ लोग विरोध में भी वीडियो बनाते हैं, सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, वो लोग भी बहुत आगे जा रहे हैं, जो लोग विरोध में बना रहे हैं वो थोड़ा गाली सुनते सुनते लेकिन वो भी आगे बढ़िए जा रहे हैं। मतलब ये है मोटी मोटा कि आप मनीष कश्यप को गाली दीजिए और उन्हीं के नाम पे आप उनके मतलब कि मनीष कश्यप के नाम की कमाई भी खाइए और उन्हें सपोर्टर भी आगे बढ़ते हैं। मेरे सपोर्ट में कम से सपोर्टरों को तो सम्मान है मनीष भैया, लेकिन तकलीफ होती है ना, जैसे आपको हो सकता है आप इग्नोर कर सकते हैं लेकिन आपके कई सारे चाहने वाले हैं जो कि उनको कमेंटों में लगते हैं गरिया। नहीं नहीं, मैं अगर उन लोगों से उलझूंगा तो आज मैं वहीं पे पटना में उलझा रहता, उन लोगों के खिलाफ वीडियो बनाता, दो गो गाली वो देते, चार गो मैं देता, लेकिन उलझा नहीं हूँ। आज देश के किसी भी कोने में चला जाता हूँ, लोग जो है पहचानते हैं। आज गोरखपुर के यूनिवर्सिटी के गेट पे था, मैंने देखा कि एक भीड़ जो है वो मेरे लिए खड़ा हो गया। तो ये प्यार है कहीं नहीं तो कहीं लोगों का, जो देश के बारे में सोचते हैं, जो देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, वो लोग मुझे प्यार करते हैं। जो किसी पार्टी के दलाल हैं, जो किसी पार्टी के अंधभक्त हैं, किसी भी पार्टी के अंधभक्त हैं, वो लोग थोड़ा सा नफरत करते हैं। और जिन लोगों का व्यू नहीं आता है वो लोग सोचते हैं कि एक बार गरिया के देखें, इंटरव्यू लेने का प्रयास करते हैं, नहीं मिलता है ना तो गरियाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा होते रहता है, कोई दिक्कत। मनीष भैया, एक कन्फेशन मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैं दरअसल एक कसम खाया हुआ था कि जब तक अपने दम पे हाईलाइट नहीं हो जाऊंगा किसी सेलिब्रिटी का, मैं इंटरव्यू नहीं करूंगा, मतलब ये कलंक नहीं लूंगा कि लोग कहें कि सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेके हाईलाइट हो गया। लेकिन मैंने आज एक शेर के लिए, डिजिटल मीडिया के एक शेर के लिए, और जिन्होंने हमारे सम्मान की रक्षा की है, मैं सेलिब्रिटी किस एंगल भैया ये किस एंगल से ये आप कह सकते हैं, ये जो शर्ट जो है पूरा पसीना पसीना हुआ है, छू के देख सकते हैं पूरा अंदर, ये आप ये आप कह सकते हैं भैया, कमेंट बॉक्स अपना देखिए कभी। नहीं, हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आम आदमी है और आम आदमी बना रहना चाहते हैं। हालांकि मैं एक गाड़ी यूज करता हूं, मैं फ्लाइट से आता हूं जाता हूं, ये हमारी मजबूरी है, अगर उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो न्यूज़ को नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन सेलिब्रिटी बनने का कभी सपना नहीं है, हमेशा सपना है कि मैं इस देश के लिए, अपने बिहार के लिए कुछ कर सकूं। एक आखिरी सवाल, और मैं इसका बहुत ही मतलब कि जेन्युइन जवाब चाहता हूं और मुझे पता कि आप देंगे भी। शिक्षा व्यवस्था को लेकर, चूंकि मैंने पूर्वांचल के 500 से अधिक गाँव को पिछले 1.5 सालों में पैदल चल के कवर किया है, शिक्षा व्यवस्था की हालत वाकई में बहुत ज़्यादा खराब है, खासकर प्राइमरी स्कूलों की। सरकार भी नहीं चाहता है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाएगा तो आप गुलाम पैदा नहीं होंगे। देश आज़ाद है और आज़ाद भारत के हम लोग गुलाम नागरिक है। 1947 के पहले देश भी गुलाम था,
लोग भी गुलाम थे। 1947 के बाद देश आज़ाद हो गया, लोग आज़ाद नहीं हुए। हालांकि 1% लोग आज़ाद हैं। आप अपने हक के लिए अगर लड़ना चाहते हैं तो आपको वो हक नहीं मिलेगा, लेकिन अडानी, बंबानी, टाटा, बिरला, अंबानी अगर लड़ेंगे तो उनको हक से ज़्यादा मिल जाता है, तो ये अलग चीज़ है। तो शिक्षा व्यवस्था अगर सुधार हो जाएगा, शिक्षा सुधर जाएगा तो देश के लोग सुधर जाएंगे, आज़ादी का मतलब समझ जाएंगे, तो वो लोग अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे। इसलिए सरकारें नहीं चाहती है कि शिक्षा व्यवस्था सुधरे, और इसीलिए जितनी भी शिक्षा व्यवस्था है वो प्राइवेट हाथों में गिरवी रख दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष भैया गोरखपुर आने के लिए और इनसाइड भारत टीवी से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है समय निकाल के आए और इंटरव्यू लिए, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो आप थे मनीष कश्यप जी, फिर से वही गलती कर रहा हूँ जो नहीं करना चाहिए, लेकिन औपचारिकता है, औपचारिकता के लिए आपको बताया। बाकी डिजिटल मीडिया का अगर जनक सौरव द्विवेदी को कहा जाता है तो डिजिटल मीडिया का जो शेर है, जिन्होंने डिजिटल मीडिया की साख को बचाया, डिजिटल मीडिया के मान सम्मान को बताया, उसका पहला इतिहास में ये नाम लिखा जाएगा, मनीष कश्यप। और इनसाइड भारत टीवी पे मनीष कश्यप जी को अभी आप देख रहे थे। आप सभी लोगों से निवेदन है, जैसा कि मनीष भैया ने भी अभी कहा, अपने हक के लिए लड़िए, थोड़ा ज़्यादा अगर मनीष कश्यप इतना नहीं लड़ सकते हैं तो थोड़ा ही लड़िए, लेकिन लड़िए, क्योंकि जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक इन जिम्मेदार लोगों से, जब तक सवाल नहीं करेंगे, जितने भी नेता, सांसद, विधायक हैं उनसे सवाल नहीं करेंगे तब तक आपके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, और इसी तरह से गुलामी वाली ज़िंदगी जीना पड़ेगा। बाकी कमरे के उस पार से बड़ी शिद्दत से मेरा सहयोग कर रहे हैं अखिलेश, मैं विकास गोस्वामी, और साथ में थे डिजिटल मीडिया के शेर मनीष कश्यप जी। जय हिंद।